नारायण नारायण प्रभु। देवी राधा के समान मुझे भी संदेह हो रहा है कि आप केवल अपनी भक्त रुक्मणी से मिलने नहीं जा रहे अपितु इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, उचित समय आने पर आपको ये उद्देश्य भी ज्ञात हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि प्रभु की इस यात्रा में अवश्य किसी का उद्धार होने जा रहा है। शेष प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। ऐसे खींच रहा है जैसे कान्हा की ओर खींचता है। पुत्री, ये एकाएक आप पालकी से क्यों उतर गई? पुत्री, जंगल के बीचों बीच इस तरह रुकना संकट को निमंत्रण देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सखा मुझे इस वन में मिलने आया हो? सखा कान्हा। पुत्री पुत्री रुक जाइए। सेनापति जाओ रुक्मणी और माँ के पीछे। सूर्य की धुन वो आ गया। मेरा शत्रु, वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं, उसकी मृत्यु से यहां खेल चिलाई। सुदामा, जानता हूं तू मन ही मन पुकार रहा है उसे। उबलने से अच्छा है अपनी जीवा से पुकार अपने भगवान को। अन्यथा इस उबलते जल में तेरा क्या होगा तू सोच सकता है? हिरण्यकश्यप, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने सखा की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे रहा हूं। प्राण नहीं ले रहा, यातना दे रहा हूं। श्याम श्याम जब बावरे, साधन यही विवेक। इस साधन की ओत से तर गए भक्त अनेक। हिरण्यकश्यप, भक्ति की छांव से तो सूर्य का ताप भी शीतल हो जाता है। ये तो केवल उबलता हुआ जल है, तो इस शीतल जल में खड़े होकर
मैं अपने प्रभु को क्यों पुकारूं? पुकारना तो तुझे पड़ेगा। भद्राक्ष। जी महाराज। समझ गए भगवान? अब भाई सुदामा है, बाकी प्रभु के दर्शन करवाता हूं। मरने पे तुलो है, पुकार ले, बच जाएगो। वो काना? अरे वो तो भगवान है ना, तो फिर वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगो। तू क्यों अपनी छटान भरे सी जान देने पे तुलो है? पुकार ले, मुंह से मोहरे से पुकार। केवल अपनी तो तुम असुर सोचते हो भद्राक्ष, हम भक्त और भगवान तो सदा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। प्रभु कितना मनोरम दृश्य है, एक आने वाला कल है और एक जाने वाला कल। देवी राधा आपकी वर्तमान है और देवी रुक्मणी आपका भविष्य। प्रभु आज दोनों का मिलन होने जा रहा है, संसार में यह प्रथम बार हो रहा है कि माता लक्ष्मी के दोनों रूप देवी राधा और देवी रुक्मणी एक दूजे के सम्मुख आने वाले हैं। नारायण नारायण। माता लक्ष्मी के इन दोनों रूप को नारद मुनि का कोटि कोटि प्रणाम। देव ऋषि आप सत्य कह रहे हैं, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से मिलते अवश्य हैं, किंतु अधिक देर तक एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक बीतते पल के साथ भविष्य वर्तमान हो जाता है और वर्तमान भूतकाल हो जाता है। बांसुरी की धुन मुझे वैसे ही प्रिय लगती है जैसे कान्हा लगते हैं। ये ग्वाला अपनी बांसुरी रोककर किससे बातें कर रहा है? इसका अर्थ है कि तुम रुक्मणी हो ना? आपको कैसे पता? सब कुछ तो नहीं, किंतु मैंने तुम्हारा भजन सुना था। हाँ, मैंने आपके एक प्रतिमा बनाई थी जिसे मैं सामने रख रोज आपके लिए भजन गाती थी, पर मेरे भैया ने वो मुझसे छीन ली।
कोई बात नहीं रुक्मणि, इसलिए तो मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारे पास। अब तुम्हें मेरी प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? क्यों? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्षमा कीजिए, पर आप कौन? इस समय है सुदामा, बच सकता है तू। हिरण्यकश्यप, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे अपने प्रभु को पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं। भद्राक्ष, समझ गो महाराज। हमसे पूछ रही हो कि हम कौन हैं? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो हमें भी तो आपसे पूछना पड़ेगा कि आप कौन हैं? मैं बताता हूँ ग्वाले, हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और हाँ, तुम हमारे बारे में जानना चाहती हो ना, तो सुनो, हम राधा है राधा, और हमारे बाबा के पास 1,00,000 गैया है। तो हमें विदर्भ की राजकुमारी और राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणि है। होगी राजकुमारी, लेकिन तुम हमारे ग्वाले के पास क्या कर रही हो? आपका काना? काना तो मेरा सखा है। ये ग्वाला और तुम्हारा सखा? ये ग्वाला तो आज तक वृंदावन के बाहर कभी गया ही नहीं, तो वो तुम्हारा सखा कैसे हो सकता है? गोपी, मैं वृंदावन से बाहर तो गया नहीं हूँ, किंतु मेरी बातें तो वृंदावन से बाहर जाती ही रहती है ना। ग्वाले, हमने तुमसे पूछा क्या? हम जिससे पूछ रहे हैं उसको उत्तर देने दो ना। बोलो, जब तुम कान्हा से कभी मिली ही नहीं, तो वो तुम्हारा सखा कैसे हुआ? अब तो कान्हा से मिलकर उनके मित्र बनी, मैंने तो कान्हा को बिना देखे ही उनको अपना सखा बना लिया। इसका अर्थ ये है मैं आपसे अच्छी तरह कान्हा को जानती हूँ। राजकुमारी रुक्मणि, कान्हा राधा का है, और राधा से अधिक कान्हा को कोई नहीं जान सकता। यदि आप कान्हा को सचमुच जानती तो आपको ज्ञात होता क्यों कान्हा मेरी सखा है। रुक्मणि, राधा, तुम दोनों ही मेरी सखी हो, इसलिए तुम दोनों को भी मित्रता कर लेनी चाहिए। ग्वाले, कान्हा केवल राधा का है, और वो राधा से अधिक किसी और का सखा नहीं हो सकता। ये तो कान्हा की इच्छा है कि कान्हा किसका सखा बनेगा। ये दोनों बातों से मानने वाली नहीं है, ना ही रक्षड़ी ना रुक्मणि। मुझे कुछ और ही करना होगा। सुदामा, यदि तू ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तू बच जाएगा तो ये तेरी भूल है। ये उबलता हुआ जल है, इसे कान्हा भी अपनी माया से शीतल नहीं कर सकता। नारायण नारायण, प्रभु, एक ओर देवी राधा और रुक्मिणी है और दूसरी ओर आपके परम भक्त सुदामा, इनकी समस्याओं का समाधान क्या होगा प्रभु? राधा रुक्मिणी, रुक्मिणी राधा,
है कान्हा के प्रति कौन बड़ा है दुविधा में प्रभु आज पड़े हैं संगिन सम्मुख मौन खड़े राधा और रुक्मणी दोनों ही मेरे हृदय से जुड़ी हुई हैं और दोनों को ही हृदय की भाषा समझ में आती है और मेरे हृदय की भाषा केवल मेरी बांसुरी ही बोलती है लग रहा है कि आज जा किसन भक्त को कंस नाम सत्य है जाएगा से गया ये रुकना नहीं चाहिए भद्राक्ष जो आ क्या हिरण्यकश्यप भद्राक्ष सुदामा कहाँ चल गए कहाँ मर गए नहीं तो भाई हाल तो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है आपके प्रिय तुलसी ने मेरे जीवन की रक्षा की है मैं सदा आपका रेडी रहूंगा माया मेरे पुत्र प्रहलाद को बचाने वाला वो चलिया माया पे माया रच रहा है वो भी यहां बिना आए ना तो उस कृष्ण की माया बचेगी और ना ही ये कृष्ण भक्त बिटिया आप कौन हो और इस घने वन में अकेले क्या कर रही हो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं पुत्री रुक्मणी पुत्री रुक्मणी पुत्री रुक्मणी
दूसरे रुक्मणी, आप पालकी से उतर के यहाँ क्यों आ गई? क्या आपको ज्ञात है हम आपके लिए कितने चिंतित थे? महारानी, वो हमारे बच्चों को देखकर उनसे मिलने चली आई रुक्मणी। आपको तो पता है बच्चों को किसी भय की चिंता नहीं होती। जानते हैं, किंतु हमें हमारी पुत्री की चिंता है। चलिए रुक्मणी। चलिए रुक्मणी। इससे पहले कि तुम मेरी सीमा से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुक्मणी,